कलीसिया के आरंभ हो थब यीशु के स्वर्ग लौट जाए के बाद चेला यरूशलेम में ही रुकिन, जैसा कि यीशु उन्हीं करे का आदेश दे रहे हैं। उनके विश्वासी मने लगातार एक साथ प्रार्थना करे के लाने इकट्ठा होए करत रहे हैं। पहर साल फसा के पर्व के 50 दिन के बाद यहूदी मने पिंतेकुस्त नाम के एक महत्व दिन का मनाए करत रहे हैं। पिंतेकुस्त वह समय रहो है जब यहूदी मने गेहूं की कटाई का मनाए करत रहे हैं। सारा संसार से यहूदी मने पिंतेकुस्त के दिन का एक साथ मनामा किलाने यरूशलेम में आए रहे हैं। यह साल पिंतेकुस्त मनामा का समय यीशु के स्वर्ग का चले जाए के लगभग एक सप्ताह के बाद आ रहा है। जौन समय सब विश्वासी मने एक साथ इकट्ठा रहे हैं, तो जौन घर में ऊँ रहे हैं, अचानक से वह तेज हवा के आवाज से भर गा, तब आग के लपट के जैसा दिखे वाला कुछ सब विश्वासिन के मुंडी के ऊपर प्रगट हो गया। ऊ सब पवित्र आत्मा से भर गए और ऊ अन्य भाषा में परमात्मा के स्तुति कर लगे। यह वह भाषा रही ही जिन्हें बोला के लाने उन्हीं पवित्र आत्मा सक्षम करे रहो है। जब यरूशलेम में वहाँ रहा वाले मनई वह शोर का सुनिन, तो ऊ भीड़ के रूप में यह देखा के लाने एक साथ आए कि का हो रहो है। ऊ विश्वासिन का परमात्मा द्वारा करोगा बड़ा बड़ा काम के घोषणा कर सुनिन। ऊ चकित रहे हैं कैसे कि ऊ व कामन का अपने ही भाषा में सुनत रहे हैं। इन मन से कुछ मन नहीं कहिन कि ऊ चेला नशा में रहे हैं, पर पतरस खड़ा हुई के और उनसे बोलो मोर बात सुना, यह मन नहीं नशा में नहीं है। एके बजाय जौन तुम देखते हैं वह आए जौन योएल भविष्यवक्ता कह रहो है कि होई। परमात्मा कहिन अंत के दिन में मैं अपन आत्मा उंडेली हूँ। हे इसराइली मनईन, यीशु एक ठे ऐसा मनई रहो है जौन यह दिखामा के लाने क्यों को रहे हैं, बहुत से अनोखा काम करे रहे हैं। ऊ परमात्मा के सामर्थ से बहुत से अद्भुत काम का करिन, तुम यह जनते है कहे से तुम ई कामन के देखे है, पर तुम वही क्रूस में चढ़ा दया। यीशु मर गा, पर परमात्मा वही मरे में से जिंदा कर देन। यह वह बात का पूरा कर देन जही एक ठी भविष्यवक्ता लिखे रहो है, तुम अपने पवित्र जन का कब्र मसड़ा न दई है। हम गवाहन कि परमात्मा यीशु का फिर से जिंदा कर देन। परमात्मा पिता अब यीशु का अपन दाहिना तरफ बैठा के वही आदर देन ही। और यीशु हमरे लाने पवित्र आत्मा भेजी कैसे कि ऊँ प्रतिज्ञा करे रहे हैं कि ऊँ भेजी पवित्र आत्मा ऊ कामन का होए दे रहे हैं जिन्हें तुम देख रहे हा और सुन रहे हा। तुम वह मनई यीशु का क्रूस में चढ़ा दिया, पर निश्चित रूप से जान लिया कि परमात्मा यीशु का सब चीजन में प्रभु और मसीह दोनों ठहराएंगे। पतरस का सुना वाले मनई ओखे द्वारा कहेगा बात का सुन के अंदर तक हिल गए रहे हैं। यही से ऊ पतरस और चेलन से पूछिन, हे भाई हमें का करा का चाही। पतरस उन्हीं जवाब दईस, तुम में से हर एक जन अपन पाप के लाने पश्चाताप करा, ताकि परमात्मा तुम्हारे पाप का क्षमा कर दें और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, तब वह तुम्हें वरदान स्वरूप पवित्र आत्मा भी दही। पतरस जौन कहिस व म लगभग 3000 मनई विश्वास करीन और यीशु के चेला बन गई। ऊ बपतिस्मा लेन और यरूशलेम के कलीसिया के हिस्सा बन गई। जब प्रेरित उन्हीं शिक्षा देन, तब विश्वासी लगातार सुनिन और ऊ अक्सर मिले करत रहे हैं और एक साथ भोजन करे करत रहे हैं और ऊ अक्सर एक दूसरे के लाने प्रार्थना करिन। ऊ मिल के परमात्मा के स्तुति करिन और जौन कुछ भी उनके पास रहो है ऊ एक दूसरे के साथ साझा करिन। नगर के हर एक मनई उन खिलाने अच्छा विचार रखत रहो। प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा मनई विश्वासी बनत गए। पीड़ितों के काम अध्याय 2 से
बाइबल की एक कहानी।